हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। मैं हूँ प्रिया शर्मा और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री की टीचर। हम पढ़ रहे हैं 11th का चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मोल कंसेप्ट के बेसिक्स बताए थे, साथ ही मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें आपसे पूछ लिया जाए कि पर्टिकुलर सब्सटेंस में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, या कोई घुमा के क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जेई में और नीट में या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से आना आम बात है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था तीन टर्म्स में हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, पहला क्वांटिटी, दूसरा बाय वेट अगर हमें दे रखा हो, और थर्ड अगर हमें बाय वॉल्यूम दे रखा हो। ठीक है, तो इनमें हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो हम इन सबके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे पहले मैं कॉर्नर में इन सबके फॉर्मूले लिख देती हूँ ताकि आपको क्या है याद रहेगा। पहला अगर हमें क्वांटिटी दी हो तो क्यू अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट, ये है। दूसरा अगर हमें वेट दे रखा हो तो गिवन वेट इन ग्राम्स एंड एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास, ठीक है, ये हो गया हमारा। थर्ड अगर वॉल्यूम दे रखा हो तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ये भी लीटर है और ये लीटर पर मोल है बेसिकली, ये हो गया। अगर मैं इसमें लगाऊं तो इसमें हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा ग्राम पर मोल, और एवोगैड्रो कांस्टेंट तो आपको पता ही है कि पर मोल उसकी जो है यूनिट होती है। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले हैं, अब देखते रहेंगे हम, जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम देखते रहेंगे हमसे क्या पूछा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल हम इसमें करेंगे बेसिकली। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन N2O, N2O इन 88 ग्राम ऑफ द गैस। मतलब कि हमें यहां पर क्या दे दिया गया है, वेट दिया है, ग्राम्स आया ना, हमें यहां पर वेट दिया है किसका, N2O का। कितना दिया है इसका वेट, 88 ग्राम्स। अगर हमें ये लाइन दे दी और हमें पूछ लिया है नंबर ऑफ मोल, अगर हमें पूछ लिया है क्वेश्चन में, तो हमें डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला। क्या होगा, वेट ऑफ N2O 88 ग्राम्स, देन नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, गिवन वॉल्यूम सॉरी गिवन वेट अपॉन N2O का मॉलिक्यूल है ना ये, तो मॉलिक्यूलर मास। ये हमारा क्वेश्चन करने का अप्रोच रहेगा, क्या रहेगा, वेट कितना दे रखा है इसका, 88 ग्राम। अब हमें ये निकालना है N2O का मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए जो नाइट्रोजन है क्या रहता है, एटॉमिक मास क्या रहता है बेसिकली 14, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा, 14 28। बात आई समझ में। अब बात करूं मैं ऑक्सीजन का, तो इसका कितना रहेगा, एक देखिए एक ऑक्सीजन एटम का कितना है एटॉमिक मास, 16। अब कैसे निकालेंगे हम N2O का, 2 मल्टीप्लाई बाय एक N का कितना, एक N जो नाइट्रोजन एटम होता है उसका कितना एटॉमिक मास होता है, 14, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है ना इसका एटॉमिक मास 16। कैलकुलेट करते हैं इसको, क्या निकल के आएगा, 44 ग्राम्स, क्या निकल के आएगा, 44 ग्राम्स है, 44 ग्राम, देन कितना आया हमारा 2, मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स है कितने निकल के आए, 2, दो हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 88 ग्राम में, 2, तो ये हमारा आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या है दूसरा क्वेश्चन हमारा, कि अगर गिवन किसी भी सैंपल में, इन अ सैंपल वॉल्यूम ऑफ मिथेन गैस इज 11.2 लीटर, ठीक है, किसी भी सैंपल में मिथेन गैस कितनी है, 11.2 लीटर है, देन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला वॉल्यूम वाला। तो क्या रहेगा सॉल्यूशन, क्या रहेगा इसका, कैसी अप्रोच रहेगी हमारी, हमें सबसे पहले क्या करना है, सिंपल सा रहेगा इसमें, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। फॉर्मूला रहेगा गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, और ये भी लीटर में है तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू
11.2 लीटर है ना गिवन वॉल्यूम, और अपॉन यहाँ एक चीज और, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा एट एसटीपी, हर क्वेश्चन में दे रखा होगा एसटीपी, क्योंकि एसटीपी में दे रखा होगा तभी हम जो है इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो 11.2 लीटर एंड 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए टोटल, टोटल जो अप्रोक्स आएगा बेसिकली ये दो से कटेगा तो 1/2 लीटर, या जिसको मैं बोल सकता, सॉरी 1/2, या जिसको मैं बोल सकती हूँ n इज इक्वल टू 0.5 लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये पर मोल होता है, ठीक है। और आप इसको नॉर्मली अगर आप नंबर में काउंट कर रहे हैं, इसको नहीं भी लिखोगे, लिख दोगे भाई, कोई पूछ लेगा भाई नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इस पर्टिकुलर लीटर में जो गैस का जो 11.2 लीटर दे रखा है, आप बोलोगे हाफ मोल है, आप बोलोगे 0.5 मोल है, तो आप इसको लिख भी सकते हो यूनिट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कहीं कई बार ये ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी के टर्म में यूज होता है, तो आप इसको नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन अ सैंपल सोडियम हैज 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10^23 पार्टिकल्स, ठीक है, देन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन इट, मैं लिख देती हूं नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन इट, भाई 6.022 10^23 पार्टिकल्स किसी भी सैंपल में सोडियम के प्रेजेंट हैं, देन नंबर ऑफ मोल्स बताइए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा अगर पार्टिकल्स दे रखे हो या क्वांटिटीज दे रखी हो, ये वाला, करें सॉल्यूशन, क्या रहेगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो कांस्टेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 6.022 10^23 पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो कांस्टेंट, क्या होता है 6.022 10^23 पर मोल कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 मोल, यानी कि किसी भी 6.022 10^23 पार्टिकल्स जो सोडियम के हैं उसमें नंबर ऑफ मोल कितना होगा 1, कितने होंगे 1, बात समझ में आई। और इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली वर्बली भी कर सकते थे, क्योंकि आप सभी को पता है एक मोल किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में फिक्स पार्टिकल्स होते हैं, कितने होते हैं 6.022 10^23 पार्टिकल्स, और आप इसको देखते ही बोल सकते थे ये आंसर होगा 1, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये आज तो मैंने आपको पूरा करके बताया है, वरना अगर आपको अदर डेज में क्या करना है, जब भी न्यूमेरिकली अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठो आपको देखते ही टिक करना है, क्योंकि आपको पता है कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10^23, है ना। तो ये हमारा हुआ थर्ड टाइप का क्वेश्चन। अब मैं कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, किन में पहला 52 मोल ऑफ हीलियम, दूसरा आपको दे रखा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, थर्ड आपको दे रखा है 52 amu ऑफ हीलियम, तो इन सभी में आपको बताने हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो कभी भी ये दिमाग मत लगाना कि सब में सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नहीं, क्योंकि यहां पर 52 मोल दे रखे हैं, यहाँ 52 ग्राम दे रखा है, यहाँ 52 amu यानी एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए हीलियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका एटॉमिक मास है 4, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अब करते हैं क्वेश्चन, चलो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इसका पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बाकी को मिटा दूं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 52 मोल ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, बात आपको ध्यान होना चाहिए। देखो मैं इधर लिख देती हूँ, 1 मोल ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होते हैं 6.022 10^23 में। अब आप देखो जब एक मोल हीलियम के एक मोल में जब इतने एटम्स हैं 6.022 10^23 एटम्स हैं एक मोल ऑफ हीलियम, तो मुझे बताइए
52 मोल ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कितने होंगे एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 52 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10^23, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 337। इसका आंसर आएगा 337.232 मल्टीप्लाई बाय 10^23, तो नौ लंबा नंबर, तभी तो मोल की जरूरत पड़ी यूनिट में। आया पहले क्वेश्चन का आंसर, मिल गया ऑप्शन क्या था? 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम्स हैं? तो देखिए अब आपका फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला ग्राम में दे रखा है ना, वेट वाला लग जाएगा। गिवन वेट कितना है हीलियम का? 52 ग्राम। हीलियम का एटॉमिक मास कितना है? 4 ग्राम पर मोल, और वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 मोल। अब आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 13। 52 ग्राम ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 13 मोल। लेकिन ये तो मोल है, हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ एटम्स। तो आप देखिए जब 13 है मोल, ठीक है, 13 मोल वैल्यू आ गई ना, तो आपको पता है हम क्या लगा सकते हैं? अब डायरेक्ट हमें क्या निकालना है, जब एक मोल ऑफ हीलियम में कितने होते हैं? 6.022 10^23 एटम्स होते हैं, तो 13 मोल में कितने होंगे? 13 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10^23, इतने इसके अंदर एटम्स होंगे। बात आई समझ में? आंसर आया था 13 मोल, लेकिन आंसर मोल में था, हमें निकालना एटम में था। एक मोल में जो हीलियम के हैं उसमें कितने एटम्स हैं हमें पता है, तो 13 मोल में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 6.022 10^23 एटम्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकंड, थर्ड करते हैं। थर्ड है 52 AMU ऑफ हीलियम, एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली है ये, तो 52 AMU ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? तो देखिए आपको पता है कि आप देखिए अगर जब मैं एक एटम की बात करूं, एक एटम ऑफ हीलियम की बात करूं, तो एक एटम ऑफ हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? बेसिकली 4 AMU। तो मुझे बताइए यहां पर हमें दे रखा है 52 AMU दे रखा है, और हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है हीलियम के, क्या होगा? डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 52/4, दैट इज 13 एटम्स। सीधी सी बात है भाई कि एक एटम जो होता है हीलियम का, उसका एटॉमिक मास क्या होता है, एएमयू कितना होता है? 4। तो सीधी सी बात है अगर 13 एटम्स होंगे तो उसका कितना होगा एएमयू? 52। सिंपल सिखानी है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 52/4, दैट इज 13 एटम्स। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।